नमस्कार, स्वागत आप सभी का। साथियों, आप देख रहे हैं NSSC न्यूज। कच्चे कर्मचारियों के बारे में बड़ी खबर हिसार से। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर करें। सर्व कर्मचारी संघ संबंधी हरियाणा राज्य ग्रुप डी सरकारी कर्मचारी यूनियन की राज्य कमेटी के आह्वान पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने DC कार्यालय के समक्ष धरना देकर प्रदर्शन किया। इन कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। धरना को संबोधित करते हुए यूनियन के राज्य उप प्रधान कृष्ण कुमार जयवीर दलाल ने हरियाणा सरकार ग्रुप डी कर्मचारियों का शोषण करते हुए इनकी मांगों को अनदेखा कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार कच्ची नौकरी से काम पक्का करवा रही है, दोहरी ड्यूटी ले रही है, कच्चे कर्मचारियों से दोहरी ड्यूटी का फायदा उठा रही है और शोषण कर रही है। इसको लेकर कर्मचारियों में भारी रोष है। उन्होंने यूनियन की मांग की कि कौशल रोजगार निगम भंग किया जाए, सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, सभी विभागों में रिक्त पदों की स्थायी भर्ती की जाए, समान काम हुए समान वेतन दिया जाए, एजुकेटेड चौकीदारों से दोहरी ड्यूटी ना ली जाए, यदि दोहरी ड्यूटी ली जाती है तो इसका डबल वेतन दिया जाना चाहिए, एक तनख्वाह फालतू दी जानी चाहिए। पुलिस विभाग में कार्यकर्त डी ग्रुप कर्मचारियों को श्रम कानूनों के अनुसार 12 से 14 घंटे की बजाय 8 घंटे काम लिया जाना चाहिए, जो कि अब शोषण कर रही है सरकार।